चलिए एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी से सेकंड पार्ट देखेंगे इसका सॉल्यूशन का। इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना आपको। ये 4 है, इनका क्या करना है, फैक्टराइज करना है जो एग्जांपल में किए थे उस तरीके से। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स पहले तो इसको एक बात और ध्यान रखना है। अगर मान लो ये जो दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं लिखे होंगे तो आप इनको पहले इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करोगे तो 12 बन जाए, कितना आएगा 12। 12 कैसा आया प्लस का, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्लस करने पर मिडिल नंबर आए। प्लस करने पर कौन सा है, मिडिल नंबर, और मल्टीप्लाई करने पर 12 12 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर कितना चाहिए, 7। -7 है +7 उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 7 आना चाहिए। तो नॉर्मली आपको पता है 4 3 है कितने होते हैं 12, 4 और 3 कितने होते हैं 7। आप करके देख लो, एक एक करके देख लो कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, फिर इनको देख लो। जैसे कि 1 × 12 = 12 होता है, 2 × 6 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिर्फ 3 और 4 ऐसे नंबर है जिनको ऐड करने पर 7 आता है। कैसे लिखेंगे इसको, 12x² - x + 1, मतलब पूरा एडिटिव वही रहेगा, बस क्या करना है 7 की जगह 3 + 4 लिखना है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -3x - 4x + 1। आप चाहो तो इससे डायरेक्ट स्टेप ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपलीफाई बता दिया, बिल्कुल -7x को -3x - 4x भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इन दो में से कॉमन लेते हैं, फिर इन दो में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, एक तो x कॉमन आएगा, x तो कॉमन आता ही आता है। अब 12 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, 3। ऐसा कॉमन लेना है जो इन दोनों में डिवाइड चला जाए, तो 3 के डॉट 12 में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, और बड़े से बड़ा नंबर लेना। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए तो 3 का डॉट 12 में देख कितनी बार बचेगा, 4 बार, और x² में से एक x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा, -3x में से 3x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 1। मतलब डिवाइड देंगे ना, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये बचेगा, डिवाइड देते हैं देख करके। ठीक है, और आपको चेक करना है तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 × 4 = 12x × x² 3x × 1 = 3x। अब इसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन ही लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट यहां आ रहा है वो ब्रैकेट बाद में भी आना चाहिए। चलिए अब देखो, ना तो नंबर कॉमन है और ना ही एक्स कॉमन है, तो क्या कॉमन आता है, 1। चलिए तो क्या बचेगा, ये -4x है तो कैसे बचेंगे, प्लस के, ये प्लस के 1 है तो कैसे बचेंगे, माइनस के, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, माइनस का 4x से करेंगे तो -4x, -(-+1)। और वैसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट यहाँ आएगा वही ब्रैकेट सेम यहाँ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट 2 बार आ रहा है, उसको एक बार लिखेंगे, और जो बचता है, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जैसे कि यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा माइनस, जो बचता है उसको नेक्स्ट अगले वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, जैसे 3x कॉमन आया क्या बचा, वो ब्रैकेट में लिखा, -1 कॉमन आया जो बचा वो 4x - 1 बचा, तो ये हमारे फैक्टर हो गए, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे ये किया वैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है, तो खुद करके देखिए, तो फिर मैं कराता हूं आपको। चलिए तब क्या करना है, 2, 3 या 6, 2 × 3 = 6, तो उसके दो पार्ट ऐसे करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो 6 × 6 और 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो क्या लिखेंगे, 2x² + क्या आएगा, 6 + 1 और x और 3, तो 2x² 6x + 1x यानी कि x। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 2x, x + 3, प्लस 1 कॉमन आएगा तो x + 3, x + 3 यहां से क्या बचा, 2x, यहां से क्या बचा, +1। ये आपका आंसर, ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, वैसे तो मैंने क्लियर कोई कर दिया है। x कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आएगा, तो 2x का 2x² में डिवाइड देंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा,
और x से x कटेगा x बार, 2x का डिवाइड 6 में x में देंगे तो x से x कट जाएगा, 2 से 6 ऐसे लिखेंगे ना, 3 बार तो 3 बचा, ठीक है। अब देख सकते हैं, चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6 से करें तो कितना आएगा, माइनस के 36, 6 माइनस के 36। अब मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 36 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए, प्लस का 5 या माइनस का 5 उससे मतलब नहीं है, 5 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलिए देखते हैं तो क्या करना है। अब देखो 1 मल्टीप्लाई 36 करने पर 36 आता है, देखो 5 चाहिए तो आप ऐसे दो नंबर लो जिनका डिफरेंस कितना हो 5 हो, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 18 36 होता है, 3 मल्टीप्लाई 12 36 होता है, 4 मल्टीप्लाई 9 36 होता है। देखो मिल गया, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे हम इसको, 9x माइनस 4x, ठीक है। इसको चेंज करना बस, इसको कहते इसलिए इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इस मेथड को, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल। फिर हम फॉर्मूले से भी करेंगे बाद में, ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना उसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे ऐसे को, बट फॉर्मूले को कब करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला कब लगाना है आपको। चलिए तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, अब 6 और 9 में किसका डिवाइड आता है, 3 का आता है डिवाइड, तो 3 कॉमन आया है तो यहाँ क्या बचेगा, डिवाइड देंगे ना 3x से, तो 3 से x 6 कट गया 2 टाइम्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बचेगा, यहां से एक्स कॉमन आया, 3 का डिवाइड 9 में देखिए कितना हो जाएगा 3 बार, इसका क्या है माइनस टू माइनस, ठीक है। अब क्या कॉमन आ रहा है, एक्स तो कॉमन आ नहीं रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 का डिवाइड 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं है। चलिए तो क्या बचेगा, तो ये माइनस का तो प्लस का बचेगा, और 2 का डिवाइड 4 में देखिए कितना हो जाएगा 2 बार, और x माइनस से कैसे बचेगा प्लस का, और 2 3 या 6, वैसे भी यहां जो लिखा है वो यही आना चाहिए, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 ये आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 माइनस 4 माइनस 12, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए और माइनस करने पर इसके कोएफिशिएंट में क्या है माना जाएगा 1 माना जाएगा, तो 1 आना चाहिए, करने की जरूरत नहीं, आपके सामने नंबर लिखे 4 और 3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1x, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 3x, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, देखो 4x माइनस 3x क्यों लिखा है, क्योंकि 4x में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस के x आएंगे, लेकिन हमें x कैसे चाहिए माइनस की, ठीक है, इसलिए माइनस 4x और प्लस 3x लिखा है, ठीक है, या फिर ऐसे भी ले सकती हो 3x माइनस 4x, तो उससे क्या होगा 4x में से 3x जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के x, ठीक है। चलिए अब क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा x, यहां से क्या बचेगा प्लस 1, क्योंकि 3x में से 3x का डिवाइड देंगे कितनी बार बचेगा 1 बार, अब इसमें से क्या कॉमन आना 4, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4, तो ये आपके फैक्टराइज हो चुके हैं। फैक्टराइज वास्तव में बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको एक मेथड ध्यान रखना है बस, ठीक है, चार स्टेप है, चार से ज्यादा स्टेप नहीं आते हैं इसमें, चार स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्लियर, अगर ऐसे कर लिया तो आपको 3 स्टेप में हो गया, ठीक है, इसी का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इसमें है फैक्टराइज करना है, अभी आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल आएंगे, चार क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, तो इनको करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले इसके पावर 3 है, तो 3 फैक्टराइज आएंगे ऐसे ब्रैकेट में, जिसमें से क्या करते हैं हम, जो एग्जांपल में बताया था, पहले फर्स्ट फैक्टर के लिए हम अपने मन से कोई भी वैल्यू उसमें रख के देखते थे कि कौन सा जो वैल्यू है उसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ज्यादा नहीं करना है आपको, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 2, ये चार वैल्यू रख के देखना आपको,
कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसको। इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट आने के बाद इसका पॉलिनोमियल में पी एक्स में क्या देते, डिवाइड। डिवाइड देने पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है जिसके फैक्टर क्या कर लेते हैं, दो, ऐसे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, और पूरा देखने के लिए आपको एग्जाम्पल देख लो अच्छे से, इसमें मैंने डिटेल में कराया है। चलिए, तो कैसे करते हैं, तो पहले एक बार पूरा देखना, तब आपको क्लियर होगा कि हाँ ऐसे करना। ठीक है कि नहीं, पूरा वीडियो देखना, क्लियर। तो पूरा वीडियो देखने के बाद तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे करना है इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम px सपोज कर लेते हैं इसको, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस है। ठीक है, तो रख के देखते हैं, तो क्या रखना है, प्लस 1 रख के देखते हैं। तो 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2, तो 1 2 माइनस 1 प्लस 2, प्लस 2 से माइनस कट गया, तो 1 सेटिस्फाई हो रहा है। ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिटेल बताएंगे तो नहीं मुझे, तो याद रखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 यानी कि पी 1 यहाँ पे लिख सकते हो। आप ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हो सिंपल सा, सिंस पी 1 इक्वल टू 1 क्यूब 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो कट गया, ये भी कट गया, यानी कि पी 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। पी 1 इक्वल टू 0 कब आता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 इसका क्या है, एक 0 से, क्या है, 0 से। इतनी बात समझ में आई, 1 इसका क्या है, 0 से। तो आपको बताना होगा, जैसे हमने कह दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, प्लस 1 आएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, 1, x की वैल्यू कितनी आई है, 1, इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। x की वैल्यू 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, 0 होगा, तो x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर। ठीक है कि नहीं, ध्यान करो कैसे निकालते थे। चलिए, तो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये इसका फैक्टर होगा, तो इसका इसमें डिवाइड भी आना चाहिए, तो हम डिवाइड देंगे, तो नाउ डिवाइड देते हैं। ठीक है, x माइनस 1 का इसमें देंगे डिवाइड, क्यों डिवाइड देंगे ये भी आपको पता चलेगा, माइनस x प्लस 2। वीडियो पूरा देखा करो तभी तो पता चलेगा क्या हो रहा है आगे। तो डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने का तरीका फर्स्ट टर्म के इक्वल करते हैं, तो मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा। ठीक है कि नहीं, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, x क्यूब ठीक है, और एक्स स्क्वायर का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, क्लियर। अब x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, माइनस एक्स कितना होगा, माइनस 2x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x आया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तभी तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x और माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये माइनस का ये प्लस का ये पूरा कट गया। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, सो px इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ध्यान करो, इसको मैं क्या ले सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ले सकता हूं, डिविडेंड है ये, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है तो रिमाइंडर मैंने लिखा। अब देखो एक फैक्टर हमारा आ चुका है, ये किस में आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आ चुका है। अब इसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर कैसे, जो पहले किए थे वैसे, एक्स माइनस 1 तो करो फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 बन जाए 2 और 2 में से बन गया तो 1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस 2x या फिर माइनस x माइनस x और प्लस 2x, क्योंकि 2x सॉरी x प्लस का करना पड़ेगा और 2x माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस 2x प्लस x तभी तो माइनस x आएगा। चलिए,
अब देखते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन लेते, इसमें से क्या कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस वन, इनमें से क्या कॉमन आएगा -2, तो x प्लस वन, x माइनस वन। तो यहां से देखो x प्लस वन, x प्लस वन, और यहां से x माइनस, हमारे px जो हमने माना था इसको क्या उसके हो गए, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा क्या करना है, अपने मन से कोई एक वैल्यू रखनी, रख के देखनी है जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू। अब देखो जैसे फैक्टर आए तो मैंने वन रखा तो माइनस वन भी इसको सेटिस्फाई कर जाता और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, प्लस टू। अरे x माइनस वन इक्वल टू जीरो करो, x प्लस वन इक्वल टू जीरो करके देखो, x माइनस टू इक्वल टू जीरो करके देखो, तो इसके हिसाब से जीरो कितना आएगा, x इक्वल टू वन आएगा, इसके हिसाब से जीरो कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस वन आएगा, और इसके हिसाब से x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस टू आएगा। तो मतलब वन भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस वन भी और प्लस टू भी, तो ये तीनों वैल्यूज को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप कोई भी रख के दे सकते हो, तो मैंने वन रखा देगा तो वन से हो गया, माइनस वन रखोगे तो उससे भी होगा, टू रखोगे तो उससे भी होगा, टू रखेंगे तो ये फैक्टर आएगा, फिर ये दोनों निकल के आएंगे, माइनस वन रखोगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों निकलेंगे बाद में, ठीक है। तरीका एक ही है, तो अपने मन से एक वैल्यू रख के देखनी है, फिर वो फैक्टर बनाना है, फिर जो फैक्टर आएगा उसका डिवाइड देना है पीएक्स में, ठीक है, पीएक्स में डिवाइड देना है, फिर जो आएगा इसका क्या करना है आपको, फैक्टर। तो एक फैक्टर तो इससे आ गया, ये दो फैक्टर इससे आ जाते हैं, तो इसके तीनों फैक्टर आ जाते हैं, क्लियर है ना। तो उसको नोट कीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम सेकेंड थर्ड फोर्थ और चारों पार्ट इसके करते हैं, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है, px इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 माइनस 5। तो वही आपको रख के देखना है, पहले प्लस 1 रख के देखते हैं, प्लस 1 तो 1 क्यूब है ना, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 9 बन जाए 9 माइनस 5, तो माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12 और 5 माइनस 17, तो ये तो नहीं होगा, चलिए तो प्लस वन तो नहीं हो रहा, माइनस वन रख के देखते हैं, तो माइनस वन का क्यूब कितना होता है माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है प्लस वन, और वन का थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस थ्री, माइनस वन का माइनस नाइन से करेंगे कितना आएगा प्लस के नाइन और माइनस फाइव, ठीक है। तो माइनस के वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर और माइनस फाइव माइनस के नाइन, तो ये सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या, इस क्वेश्चन में माइनस के वन सेटिस्फाई किया है, तो माइनस वन रख के देखेंगे, तो ये लिखेंगे सिंस पी माइनस वन इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस वन क्यूब माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव। तो माइनस वन क्यूब कितना होगा माइनस वन, ये माइनस थ्री, ये कितना आएगा प्लस के नाइन और ये माइनस फाइव, तो 9 माइनस 9 कट गया, कितना आ गया 0, तो p माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 0, तो x इक्वल टू कितना आया है माइनस 1, तो यहां लिखेंगे सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब x इक्वल टू 1 आया था तो देखो ऐसे निकालते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 यहां के कैसा आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो अब क्या करें, x प्लस 1 का इसमें क्या देते हैं डिवाइड, तो नाउ x प्लस वन का मैं देता हूं इसमें डिवाइड, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 2.3 में डिवाइड सिखाए थे, 2.4 में डिवाइड बताया था, तो वहां देख सकती हो। तो अब x का फर्स्ट टर्म के इक्वल करना है, तो कैसे करते हैं, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x स्क्वायर इंटू x एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले क्या कर देंगे साइन चेंज, ठीक है, तो कट गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका करेंगे, माइनस फोर का और एक्स का, तो माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन फोर एक्स माइनस के फोर एक्स, ठीक है। तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये तो कट जाएगा माइनस फोर एक्स और प्लस
फोर एक्स कितना आएगा माइनस के, 5x। ठीक है, अब x तो है, सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस फाइव का। तो माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव प्लस वन, माइनस फाइव प्लस, और ये प्लस, ये भी कट गया, अब ये भी कट गया। और देखो एक बात हो रहा है, अगर डिवाइड नहीं जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो डिवाइड तो पूरा पूरा जाना ही चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वन, ये पी एक्स है ना, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस के। ये तो फैक्टर है, फैक्टराइज, पहले से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे, दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस फाइव आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के फाइव आए, और माइनस करने पर फोर आ जाए, तो फाइव बन जा फाइव, और फाइव में से बन गया तो फोर। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स। क्यों लिखा है, क्योंकि तो फाइव एक्स में से एक्स जाएंगे तभी तो माइनस के फोर एक्स बचेंगे। अगर आपने माइनस के एक्स लिख दिए और प्लस के फाइव एक्स लिख दिए, देखो चार कंडीशन हो सकती हैं, माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स, माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स। अब ऐसे ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस के सॉरी सिक्स एक्स, तो वो तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या लिखेंगे ये। तो अब देखो इसमें से क्या आएगा कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। यहां से माइनस फाइव कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों कैसे बचेंगे, प्लस के। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स बन जाए एक्स, ठीक है, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव, ठीक है। चलिए तो एक्स प्लस वन, यहां से एक्स प्लस वन फिर कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, एक्स, यहां से माइनस फाइव, ये आपका आंसर होगा। चेक करना है तो एक्स की वैल्यू यहां से जो आएंगी, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इक्वल टू प्लस फाइव, ये तीनों वैल्यू इसमें रख के देख लो, अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हमारे आंसर सही है, इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है तो आंसर हमारा गलत है, ठीक है। और चाहो तो आप जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा लॉटरी, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, क्लियर। तो नोट कीजिए इसको, ये हो चुका है आपका थर्ड पार्ट, इसका क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव का, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो उसमें पहले वैल्यू पुट करना है, तो देखो प्लस वन से तो नहीं आएगा क्योंकि सभी प्लस की हैं, तो सभी ऐड हो जाएंगे, माइनस वन रख के देखते हैं, ठीक है ना, वन रखेंगे तो वन रहेगा, वन रखेंगे मतलब कुल मिला के ये सभी प्लस के आएंगे, प्लस के आएंगे तो जीरो कैसे हो सकता है, माइनस वन से कुछ काम बन सकता है। चलिए तो माइनस वन रख के देखते हैं, माइनस वन क्यूब माइनस वन, और ये प्लस 13 आएगा, और ये माइनस के 32 प्लस 20, ये 33, ये हाँ माइनस वन से आ रहा है, आप चाहे खुद भी कर सकते हो इसको। चलिए तो रख के देखते हैं, सिंस पी माइनस वन, माइनस वन क्यूब प्लस 13 माइनस वन स्क्वायर प्लस 32 माइनस वन प्लस 20, तो माइनस वन क्यूब माइनस वन रहेगा, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन है ना, प्लस वन, तो 13 और माइनस 32 प्लस 20, तो देखो माइनस वन माइनस 32 माइनस 33, इनको ऐड करेंगे तो प्लस 33 कट गया, तो p माइनस वन कितना आ गया, जीरो, p माइनस वन कितना आ गया, जीरो। तो यहां लिखेंगे सो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना, तो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है ना, फैक्टर होगा। चलिए तो अब क्या करें, डिवाइड देंगे, तो नाउ एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो x को x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा, तो x क्यूब
मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का, तो कट गया। 13 में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा, प्लस के 12 एक्स स्क्वायर, और 32x प्लस 20। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 और एक x का, तो 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1, 12x, ठीक है, माइनस, और ये भी माइनस, तो ये कट गया। ये कितना बचेगा, 20x प्लस 20, अब 20 बार जाएगा प्लस 20, तो 20x प्लस 20, माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो अब क्या करेंगे इसके फैक्टर, तो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ठीक, समझ में आ गया, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे इसको, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है कि नहीं, एक्स प्लस वन हमारा आ चुका है। एक बात और ध्यान रखना इसमें, चलिए देखते हैं, एक्स प्लस वन करो, चलो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, प्लस करने पर 12 आना चाहिए, करो 10 टू जा 20 और 10 और 2 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10x प्लस 20, x प्लस 1, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x सिर्फ, तो x प्लस 12 बचेगा, यहां से 10 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस, सॉरी क्या हो गया, गलत हो गया, क्या गलत हो गया, अरे सॉरी, यहां पर 2x लिखना था, है ना, 2 बचेगा, है ना, 2x प्लस 10x 12x, तो x प्लस 2 और 10 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2, तो x प्लस 1, यहां से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, यहां से x प्लस 10, x प्लस 10, ये आपको, यानी कि x इक्वल टू यहां से माइनस 1, यहां से x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 10, ये तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। मतलब जब x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 10 रख के देखोगे ना, तो पॉलिनोम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। माइनस 1 रख के तो हमने देख लिया, माइनस 2 माइनस 10 आप रख के देख लेना, तो आप देखना कि आंसर कैसा आ रहा है, 0, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी होगा थर्ड, लास्ट पार्ट बचा है, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, पी वाई इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो उसमें y की फॉर्म में है, तो y से फॉर्म में करना है। चलिए तो रख के देखते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं, तो 1³ कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 प्लस ये भी 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो 1 से सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। चलिए तो रख के देखते हैं, वही सिंस P1 इक्वल टू 2 1³ प्लस 1² माइनस 2 1 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कट गया, कितना आ गया, 0, तो P1 इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो लिखेंगे सो y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ py, ठीक है, क्या होगा, फैक्टर होगा, तो y माइनस 1 का इसमें क्या देंगे, डिवाइड, तो नाउ y माइनस 1 का डिवाइड देंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 से, ठीक है, तो 2y² आएगा, क्योंकि 2 चाहिए, है ना, तो 2y³, 2y² का 1 से होगा, तो माइनस 2y², ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y², तो प्लस 3y² माइनस 2y प्लस और माइनस 1, है ना। अब क्या चाहिए, 3 प्लस 3 चाहिए और एक y चाहिए, तो 3y² और 3y माइनस 1, तो माइनस 3y, मल्टीप्लाई करेंगे
अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस टू वाई प्लस थ्री वाई प्लस वाई माइनस वन, तो यहाँ भी वाई माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन है, तो प्लस वन बार डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, तो वाई माइनस वन, तो प्लस माइनस इकट्ठे, तो अब वही काम करना है, सो पी वाई इक्वल टू वाई माइनस वन इंटू पी माइनस वन इंटू टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस, ठीक है कि नहीं, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, तो वाई माइनस वन, तो टू का मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, वन से, टू का मल्टीप्लाई वन से करेंगे, तो टू वन जा टू, तो दिख रहा है आपको टू वन जा टू, और टू और वन कितने होते हैं थ्री, क्या लिखेंगे इसको, टू वाई स्क्वायर टू वाई प्लस वन वाई यानी कि वाई, तो वाई माइनस वन क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एक तो टू कॉमन आ रहा है और एक वाई, क्या बचेगा वाई प्लस वन, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस वन कॉमन लेंगे, तो वाई प्लस, तो वाई माइनस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचेगा टू वाई प्लस, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब आपको चेक करना है, तो यहां से वाई इक्वल टू वन, यहां से वाई इक्वल टू माइनस वन, और यहां से वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो प्लस वन यहां वहां जाके क्या होगा टू वाई इक्वल टू माइनस वन, और वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तो ये आप वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो इस जगह, क्लियर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है 2.4, क्लियर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी पढ़ेंगे सभी, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर।